जय हिंद दोस्तों, आज के जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग के लेक्चर में हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। दोस्तों, मौद्रिक नीति हम हर न्यूज़पेपर में हर दो महीने में पढ़ते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू आरबीआई हर दो महीने में करता है और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या और आरबीआई इसे हर दो महीने में क्यों लाता है और इससे फायदे क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है, आरबीआई इसे कैसे कंट्रोल करता है और कैसे बहुत सारे रेट्स या जिन्हें हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं उनमें चेंजेस करके आरबीआई मॉनेटरी में पैसे को या तो कम करता है या बढ़ाता है। पहले एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि मार्केट में पैसे को कम या ज्यादा करना क्यों पड़ता है। जब मार्केट में पैसा कम होता है तो लोग डिमांड कम करते हैं और जब लोग डिमांड कम करेंगे या मार्केट से खरीदारी कम करेंगे तो मार्केट में कोई भी सामान नहीं बिकेगा और जब कोई भी सामान नहीं बिकेगा तो फैक्ट्रियों में बनेगा नहीं और फैक्ट्रियों में बनेगा नहीं तो प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगेगा। मतलब ये कि पैसे कम होने से हम कह लें कि मंदी बढ़ती है या बेरोजगारी बढ़ती है और जब पैसा एक्स्ट्रा हो जाए इकोनॉमी में, कैश ज्यादा हो जाए इकोनॉमी में, जिसे हम बोलते हैं कि कैश फ्लो या मार्केट लिक्विडिटी बढ़ गई है, कैश का फ्लो जो है मार्केट में ज्यादा हो जाए, उससे नुकसान क्या है? तो उससे क्या होता है कि हम डिमांड ज्यादा करने लगते हैं, हम मार्केट में ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं और जब हम ज्यादा खरीदारी करेंगे, मतलब जिस चीज की जरूरत हमें नहीं है उसके बावजूद हम खरीदारी करेंगे, मतलब मार्केट की डिमांड अननेसेसरी बढ़ेगी और ये डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे जो महंगाई को बढ़ाएगा। मतलब ना तो मार्केट में पैसा ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई मार्केट में पैसे को जरूरत के हिसाब से क्वांटिटी वाइज मेंटेन कैसे रखता है। यही है वो मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें आरबीआई मार्केट में पैसे को कम करता है और ज्यादा करता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है, तो आप कहेंगे कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से मार्केट में पैसे को कम ज्यादा करता है, मतलब मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। चलिए अब इसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से आरबीआई करता कैसे। दोस्तों आपको बता दूं, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो स्ट्रेटेजी आरबीआई की मार्केट में पैसा कम ज्यादा करने की, ये आरबीआई हर दो महीने में लेके आता है, मतलब साल में 6 बार। अभी जो हाल ही में 5 अप्रैल 2018 को मॉनेटरी पॉलिसी आई, ये साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी थी, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष शुरू होता है साल में अप्रैल में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है इसमें पहली मॉनेटरी पॉलिसी हम उसे मानते हैं जो अप्रैल में शुरू होती है। तो इस हिसाब से जो 5 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी आई, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया, वो हमारा पहला मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू था। तो इसमें आरबीआई ने कोई भी रेट्स चेंज नहीं किए। दोस्तों मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, रेट्स। ये रेट्स क्या है? इन्हीं रेट्स की मदद से आरबीआई जो है वो मार्केट में पैसे की क्वांटिटी को कम ज्यादा करता है, जिन्हें हम बोलते हैं पॉलिसी रेट्स। इससे आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। दोस्तों पॉलिसी रेट्स जो है, पॉलिसी रेट्स में सबसे पहले होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एसएलआर एंड सीआरआर। ये सभी जो है वो पॉलिसी रेट्स कहलाते हैं, मतलब कह लें कि यही है वो आरबीआई के हथियार जिनसे आरबीआई मार्केट में पैसा कम भी कर लेता है और मार्केट में पैसा बढ़ा भी लेता है। अब एक एक करके मैं बताऊंगा कि कैसे इन हथियारों के जरिए आरबीआई जो है वो अपने काम को अंजाम दे पाता है। तो एक एक करके मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की। दोस्तों रेपो रेट जो है बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट है। हम सबको पता है कि बैंक जो है वो पैसे का बिजनेस करते हैं, बैंकों को पैसे की जरूरत होती है ताकि वो दूसरों को लोन दे सकें और उससे उन्हें ब्याज मिले, कमाई हो। ये पैसा बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। मैं बहुत सिंपल टर्म में यहां पर लिख देता हूं, लोन। सिंपल मतलब ये कि आरबीआई ने लोन लिया किससे? आरबीआई ने लोन दिया किसको? बैंक को लोन दिया। अब जब आरबीआई ने बैंक को लोन दिया तो बैंक इसके बदले इंटरेस्ट पे करेंगे, ब्याज पे करेंगे, और बैंक जो ब्याज आरबीआई को पे करता है उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। ये हमारा रेपो रेट कहलाता है। मींस रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई। मतलब ये कि रेपो रेट कौन पे करता है? बैंक पे करते हैं। रेपो रेट एक्सेप्ट कौन करता है? आरबीआई एक्सेप्ट करता है। चलिए
अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी जो टर्म है वो है रिवर्स रेपो रेट। जो दूसरी टर्म रिवर्स रेपो रेट है ये क्या है? तो आपको मैंने पिछली स्लाइड में समझाया था, रेपो रेट वो इंटरेस्ट है जो बैंक पे करते हैं आरबीआई को। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा या आप सब जानते हैं कि जब हमारे पास पैसा कुछ एक्स्ट्रा होता है तो हम कहां जमा कर देते हैं? बैंकों में, और बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट देता है। बैंक क्यों इंटरेस्ट देता है? क्योंकि बैंक उस पैसे का यूज करता है और हमें इंटरेस्ट भी देता है। मतलब जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम बैंक में जमा करना जरूरी समझते हैं। ऐसे ही यहां पर जब बैंकों के पास कुछ पैसा होता है तो बैंक क्या करते हैं, उस पैसे को या उस कैश को कहां जमा कर देते हैं? आरबीआई के पास। ये वो पैसा जमा होता है जो पैसा अभी बैंकों में यूज नहीं हो रहा है या और किसी मार्केट में बैंक नहीं लगा रहा है, तो बैंक उस पैसे को उठा के आरबीआई को दे देता है। तो कहने का मतलब ये कि जब बैंक कुछ पैसा आरबीआई में जमा करते हैं तो भैया बाय डिफॉल्ट जो है आरबीआई भी इसके बदले इंटरेस्ट देता है। वो इंटरेस्ट रेट या वो ब्याज कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ध्यान से देखिएगा आप दोस्तों, वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई बैंकों को पे करता है वो होता है, ये स्लाइड चेंज हो गई है मैं देख लेता हूं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट जो बैंक आरबीआई को पे करते हैं वो रेपो रेट है, और जो इंटरेस्ट आरबीआई बैंकों को पे करता है वो क्या है? रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं बैंक रेट पर। अब बैंक रेट क्या होता है? अगर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, बैंकों ने लोन मांगा आरबीआई से, आरबीआई ने लोन दे दिया बैंक को, लेकिन इस बार जो लोन मांगा जा रहा है वो 3 महीने से ज्यादा के टाइम के लिए, मतलब मोर देन थ्री मंथ्स, मतलब लोन की अवधि है मोर देन 3 मंथ्स। अच्छा, 3 महीने की जो लोन की अवधि है अगर इसके लिए बैंक लोन ले रहा है तो बैंकों को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड बैंक रेट, उसे बैंक रेट कहा जाता है, ये बैंक रेट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि बैंक जो 3 महीने के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं उसके लिए जो इंटरेस्ट पे करना है वो बैंक रेट है। अच्छा, बैंक अगर 3 महीने से कम के लिए लोन ले तो वो कौन सा है? रेपो रेट, जो हमने पहली स्लाइड में देखा था। मतलब रेपो रेट वो इंटरेस्ट है जिस पर बैंक आरबीआई से 3 महीने तक का लोन ले सकते हैं। बैंक रेट वो इंटरेस्ट है जिससे बैंक आरबीआई से 3 महीने से ज्यादा का लोन ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरी साइड में हमने देखा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट है जिससे हम जो बैंक हमारे हैं वो आरबीआई में पैसा जमा करते हैं या पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले में उन्हें आरबीआई से इंटरेस्ट मिलता है। तो मतलब जो इंटरेस्ट आरबीआई पे करता है बैंकों को उसे कहा जाता है आपका रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं और आगे की स्लाइड में देखिए एक और टर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। अब एमएसएफ क्या होता है? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब जब बैंकों को एक दिन के लोन की जरूरत पड़ती है तो बैंक एक दिन का लोन किससे लेते हैं? आरबीआई से। आरबीआई ने एक दिन का लोन दिया, एक दिन का लोन किसको दिया? बैंकों को। तो इसके बदले बैंक जो इंटरेस्ट पे करेंगे या जो ब्याज देंगे वो ब्याज कहलाता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कहने का मतलब यह है कि जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एमएसएफ तो आप कहेंगे सर इट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर बैंक आरबीआई से एक दिन का लोन लेते हैं। तो यहां पर हमने अभी तक 4 टर्म्स की बात की है, रेपो रेट जिससे बैंक 3 महीने तक का लोन ले पाते हैं आरबीआई से, रिवर्स रेपो रेट जो इंटरेस्ट आरबीआई बैंकों को पे करता है डिपॉजिट के बदले, बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट जिस पर बैंक जो है आरबीआई से 3 महीने का लोन लेते हैं और 3 महीने से ज्यादा का लोन लेते हैं, और लास्ट जो हमने यहां पर पढ़ा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसमें बैंक आरबीआई से एक दिन का लोन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो टर्म है वो है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
क्या है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो आपको बता देता हूं। बेसिकली बैंक के पास एक दिन में जितना भी पैसा आता है, बैंक के पास जो भी पैसा आ रहा है एक दिन में, बैंक उसका, मान लीजिए बैंक के पास 1000 रुपीज आए एक दिन में, ठीक है। बेसिकली इसे NDTL अमाउंट भी बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी में आते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और टाइम लायबिलिटी में आते हैं रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मतलब बैंकों में ये जो चार अकाउंट आते हैं, इन चारों अकाउंट में एक दिन में जो भी पैसा आता है उसे हम बोलते हैं NDTL डिपॉजिट। तो एक दिन में बैंकों में जो भी पैसा आता है, और हमने माना कि 1000 रुपए आया, तो बैंक उसमें से कुछ पैसा, सर्टन परसेंट पैसा जो है, हम अभी एक्स लिख देते हैं उसे, एक्स परसेंट, ये पैसा जो है वो अपने पास ही जमा रख लेता है। मतलब कीप इट विद इटसेल्फ, बैंक अपने पास ही रखता है, मतलब बैंक अपने पास जमा करके रखता है, जमा रखता है। अच्छा, बैंक अपने पास जमा रखता है किस फॉर्म में? कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये तीन फॉर्म में जो है वो बैंक अपने पास पैसा जमा रखता है। मैं बात दोहराता हूं कि बैंकों के पास एक दिन में जितना भी पैसा आता है उसका कुछ प्रतिशत वो अपने पास कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में जमा करके रख लेते हैं, और इसी को कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या SLR। दोस्तों SLR एक तरह का रिजर्व है जो बैंक अपने पास करके रखते हैं RBI के ऑर्डर्स पर, और फ्यूचर में इसका यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और टर्म समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम सभी टर्म्स का कंक्लूजन निकालेंगे और बताएंगे कि कैसे ये अफेक्ट करती हैं। कैश रिजर्व रेशियो, CRR। दोस्तों जो CRR है या कैश रिजर्व रेशियो है, ये क्या होता है? तो वही बात फिर से बताता हूं या दोहराता हूं कि बैंक के पास एक दिन में जो भी पैसा आता है, एक दिन का पैसा, पैसा एक दिन का जो भी पैसा आता है, मान लीजिए 1000 रुपए आया, तो उसका कुछ परसेंट, मतलब y परसेंट मान लेते हैं, कुछ परसेंट बैंक रोज के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से RBI में जमा करते हैं। कहां जमा करते हैं? RBI में डिपॉजिट करते हैं या जमा करते हैं। फिर से दोहराता हूं आपके लिए कि बैंकों के पास एक दिन में जो भी पैसा आता है उसका कुछ परसेंट बैंक रोज RBI में जमा करते हैं या पर डे के हिसाब से RBI में जमा करते हैं, वो पैसा कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। इसके नाम में ही छुपा हुआ है कैश, तो कैश का मतलब होता है नगद, मतलब ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में है। मैं ये बात क्यों दोहरा रहा हूं दोस्तों कि सिर्फ कैश के फॉर्म में है, क्योंकि इससे ठीक पहले वाली स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो देखा था मैंने, ये वो पैसा होता है जो बैंक अपने पास जमा करके रखते हैं, और जो बैंक अपने पास जमा करके रखते हैं ये सिर्फ कैश में नहीं होता, ये कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन तीनों फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो इन तीनों फॉर्म में जो कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो बैंक अपने पास जमा करके रखता है पैसा, ठीक है। उसके पास जो भी एक दिन में पैसा आता है उसका कुछ परसेंट बैंक इन फॉर्म्स में अपने पास जमा करके रखता है, उसे बोलते हैं हम SLR। और लेकिन जो वो RBI के पास रख देता है, ये बैंक के पास रखा, और वो जो RBI के पास रखता है उसे हम क्या बोल देते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो यहां पर आप कंक्लूजन पे ये पहुंचेंगे कि बैंक दो जगह पैसा रिजर्व करके रखता है, उसके पास जो भी पैसा आता है एक दिन में, एक वो अपने पास करके रखता है उसे हम बोलते हैं SLR, और एक वो जो RBI के पास रोज भिजवाता है वो कहलाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दो तरह के रिजर्व करता है। अभी मैंने ये सारी टर्म आपको सिखलाई, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में हाउ पॉलिसी रेट वर्क्स, मतलब इतने सारे मैंने पॉलिसी रेट आपको बताई, ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों आपको पिछली स्लाइड पे ले चलूंगा जहां पर मैंने सारे पॉलिसी रेट्स एक साथ लिखे हुए हैं, ये काम कैसे करते हैं। अगर आप रिवाइज करना चाहें तो सिंपल, रेपो रेट कौन पे करता है? बैंक पे करते हैं, ये इंटरेस्ट है और पे कौन करता है? बैंक। रिवर्स रेपो रेट भी इंटरेस्ट है लेकिन कौन पे करता है? RBI। अच्छा, फिर बैंक रेट भी इंटरेस्ट है, ये कौन पे करता है? ये भी बैंक पे करते हैं,
लेकिन आप कहोगे कि ये इंटरेस्ट भी बैंक पे कर रहा है, ये इंटरेस्ट भी बैंक पे कर रहा है। तो यहां पर जो बैंक पे करता है वो 3 महीने के लोन के लिए करता है, याद दिलाने के लिए बता रहा हूं आपको मैं, और यहां पर 3 महीने से ज्यादा, मतलब मोर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, क्लियर है? 3 महीने से ज्यादा के लिए बैंक को लोन लेना है तो कौन सा इंटरेस्ट पे करेगा? बैंक रेट। और 3 महीने तक का लोन लेना है आरबीआई से तो कौन सा इंटरेस्ट पे करेगा? रेपो रेट। और अगर बैंक उल्टा आरबीआई में पैसा जमा करता है तो वो कौन सा इंटरेस्ट लेगा? वो आरबीआई से रिवर्स रेपो रेट एक्सेप्ट करेगा या आरबीआई उसे ये इंटरेस्ट पे करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर एमएसएफ, मैंने जो आपको पढ़ाया, एमएसएफ का मतलब होता है कि जब बैंक को 1 दिन का लोन लेना है, ये भी इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट कौन पे करता है? बैंक। लेकिन कितने दिन का लोन है ये? 1 डे। मतलब ये कि अगर बैंक को 1 दिन का लोन चाहिए तो एमएसएफ रेट पे करेगा बैंक, बैंक को 3 महीने से ज्यादा का लोन चाहिए तो बैंक रेट पे करेगा, और 3 महीने तक का लोन चाहिए तो रेपो रेट। सिर्फ एक ये रिवर्स है, ये इसलिए है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट आरबीआई पे करता है उस पैसे के बदले जो बैंक आरबीआई में जमा करते हैं। अच्छा, ये चारों इंटरेस्ट रेट है, ये चारों इंटरेस्ट रेट है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ। लेकिन ये दोनों रिजर्व हैं, ये वो पैसा है जो रोज के पैसे में से कुछ पैसा बचा के बैंक कहां जमा करता है? अपने पास, बैंक में ही अपने पास जमा करके रख लेता है, ये रिजर्व है, है ना? मैं यहां पे लिख देता हूं रिजर्व जमा। और ये जो है वो रिजर्व है जो कहां जमा करता है बैंक? आरबीआई में। ये बैंक में खुद अपने पास और ये आरबीआई में। ये मैंने आपको पांचों जो है वो बहुत अच्छे से बता दिए। अब इनकी वजह से मार्केट में पैसा घटता और बढ़ता कैसे है तो आपको बता दूं सिंपल कि जब जब इन इंटरेस्ट रेट्स में चेंज होता है तब मार्केट में पैसा घटता और बढ़ता है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम रेपो रेट का। रेपो रेट वो इंटरेस्ट है जो बैंक को पे करना पड़ता है। अब जब रेपो रेट मान लीजिए अभी 6% है, कितना है? 6% है। तो जैसे ही ये रेपो रेट 6% से बढ़ा के 7% किया जाएगा तो अब बैंक क्या करेंगे? भाई ये इंटरेस्ट रेट कौन पे कर रहा है? बैंक पे कर रहे हैं। ले कौन रहा है? आरबीआई ले रहा है लोन के बदले। तो मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा के 7% कर दिया, तो जब आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाकर 7% कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब आरबीआई लोन के बदले बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और जब बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो अपने आप वो लोन कम लेंगे, और जब वो लोन कम लेंगे तो अपने आप मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कंक्लूजन इज दैट व्हेन रेपो रेट इंक्रीजेस मार्केट मनी और मार्केट लिक्विडिटी डिक्रीजेस। अगर दूसरी बात करें, अगर रेपो रेट गिराया गया है मतलब ये 6% से 5% कर दिया गया है, जब ये 6% से 5% कर दिया जाएगा तो मतलब ये है कि अब आरबीआई पहले जहां बैंकों से लोन के बदले 6% इंटरेस्ट ले रहा था अब वो कितना इंटरेस्ट लेगा? वो 5% इंटरेस्ट लेगा। मतलब बैंकों को बेनिफिट दे रहा है आरबीआई, और जब बैंकों को बेनिफिट मिलेगा तो बैंक ज्यादा लोन लेंगे, और जब बैंक ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में कैश बढ़ जाएगा। मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट रेट रेपो रेट जो है आरबीआई कम करता है तो कैश मार्केट में बढ़ जाता है, और जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो कैश मार्केट में कम हो जाता है, कम हो जाता है। सो रेपो रेट का फाइनल कंक्लूजन में यह देना चाहूंगा कि व्हेन रेपो रेट इंक्रीजेस मार्केट मनी डिक्रीजेस, व्हेन रेपो रेट डिक्रीजेस मार्केट मनी इंक्रीजेस। आइए बात करते हैं अब हमारे दूसरे पॉइंट पर, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इससे क्या चेंज होगा? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? याद कीजिए रेपो रेट क्या बताया था मैंने, रेपो रेट वो इंटरेस्ट है जो आरबीआई पे करता है बैंकों को, इसको घटाने बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों आपको बता दूं कि रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम रहता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि अभी 5.5% है, रेपो 6 है,
रेपो रेट 6% है और रिवर्स रेपो रेट 5.5%, मतलब बैंक आरबीआई को कितना इंटरेस्ट चुका रहे हैं, 6%, लेकिन आरबीआई जमा करने पर उन्हें कितना देता है, 5.5%। तो जब ये 5.5% इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई पे कर रहा है, मान लीजिए कि ये जो है वो कम करके 5% कर दिया गया, ये कम हो गया। अब जब ये कम कर दिया गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ये है कि अब जितना भी पैसा आरबीआई को बैंक जमा करेंगे या आरबीआई में बैंक पैसा जमा करेंगे उस पर अब उन्हें 5.5% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 5%। इसका मतलब ये है कि अब बैंकों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले पैसा आरबीआई में जमा करने पर बैंकों को 5.5% इंटरेस्ट मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था, और अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5%। मतलब अब बैंक इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे कि आरबीआई में पैसा जमा कर रहे हैं, और जब वो आरबीआई में कम पैसा जमा करेंगे तो अपने आप उनके पास कैश ज़्यादा बचेगा, मतलब मार्केट में कैश बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीजेस मार्केट लिक्विडिटी विल बी इंक्रीज्ड, मतलब यहां मार्केट लिक्विडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अब बैंक जो है वो कम पैसा आरबीआई में जमा कराएंगे। तो मतलब जब ये कि आरबीआई चाहेगा कि मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, वो ये जो रिवर्स रेपो रेट है वो उसे कम कर देगा। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ेगा, मान लीजिए ये 5.75 हो गया, इसका मतलब यह है कि जब अब बैंक आरबीआई में पैसा जमा करेंगे तो बैंकों को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, मतलब बैंकों के लिए खुशी की बात, मतलब अब बैंक जो है वो ज्यादा पैसा यहां जमा कराएंगे, और जब बैंक अपना ज्यादा पैसा आरबीआई में जमा करा देंगे तो मार्केट में पैसा कम बचेगा। मतलब यहां पर बात इतनी है कि व्हेन रेपो रेट इंक्रीजेस मार्केट मनी डिक्रीजेस, जब रेपो रेट बढ़ता है तो बाजार में पैसा घटता है, और जब रिवर्स रेपो रेट घटता है तो मार्केट में पैसा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दोनों का कंक्लूजन तो सेम ही निकला, चाहे रेपो रेट की बात करें चाहे रिवर्स रेपो रेट की बात करें, व्हेन रेपो रेट इंक्रीजेस मार्केट मनी डिक्रीजेस। और यहां पर भी वही बात हो रही है कि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक क्या करेंगे, ज्यादा पैसा जमा करेंगे, मतलब मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को बढ़ाने से मार्केट में पैसा कम होता है। चलिए अब मैं अगली टर्म आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो हमारी अगली टर्म है वो है बैंक रेट। बैंक रेट भी सेम इफेक्ट देगा, क्योंकि बैंक रेट जो है वो इंटरेस्ट है जो कि कौन पे करता है, बैंक पे करते हैं, लेकिन कितने महीने के लोन के लिए, 3 महीने। किसको पे करते हैं, आरबीआई को, 3 महीने के लोन के लिए। रेपो रेट से ज्यादा रहता है ये 1% लगभग। तो अभी अगर मान लीजिए कि ये 7% चल रहा है, तो वही बात है, जैसा रेपो रेट असर डाल रहा है वैसे ये डालेगा असर। अगर बैंक पहले 3 महीने के लोन के लिए 7% इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब उन्हें 7.5% कर दिया आरबीआई ने कि बैंक रेट 7.5% है, मतलब अब बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और जब बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो फिर बैंक क्या करेंगे, कम लोन लेंगे, 3 महीने का से ज्यादा का लोन क्या करेंगे, कम लोन लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये भी है कि यहां पर बैंक रेट बढ़ाने से मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। अच्छा, अगर इसे 6.5 कर दिया, मतलब बैंकों के लिए खुशी की बात कि उनके लिए लंबी अवधि का लोन अब सस्ता हो गया, मतलब वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, मतलब 3 महीने के ज्यादा लोन लेंगे, और मार्केट में कैश बढ़ जाएगा। तो यहां पर भी कंक्लूजन वही है दोस्तों कि व्हेन बैंक रेट इंक्रीजेस, जब बैंक रेट बढ़ता है तो मार्केट में पैसा घटता है, और जब बैंक रेट घटता है तो मार्केट में पैसा बढ़ता है। चलिए अगली टर्म मैं आपको बताता हूं, हमारी अगली टर्म जो है बैंक रेट के बाद MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, याद कीजिए, ये वो इंटरेस्ट है, ये वो ब्याज है जो बैंक पे करते हैं एक दिन के लोन के लिए, ओवरनाइट बेसिस के लिए बैंक जो है वो लोन लेते हैं, किससे, आरबीआई से, और जब वो आरबीआई से लोन लेते हैं एक दिन का लोन, तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है, MSF। मान लीजिए अभी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या MSF जो है वो अभी 7% चल रहा है, और जब ये 7% चल रहा है, और अगर 7% से बढ़ा के इसे 7.5% कर दिया, इसका मतलब ये है कि बैंकों को अब एक दिन के लोन के लिए 7.5% इंटरेस्ट जो है आरबीआई को चुकाना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अब बैंक एक दिन का लोन क्या करेंगे, कम लेंगे, क्योंकि उनके लिए लोन लेना महंगा हो गया। अच्छा, तो मतलब यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब MSF बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा घटेगा, और जब MSF घटेगा, मान लीजिए ये 6.5% हो गया,
मतलब बैंकों के लिए फिर से खुशखबरी, अगर उन्हें एक दिन का लोन चाहिए तो अब 7.5% में नहीं, 7% में नहीं, उन्हें 6.5% में मिलेगा। मतलब वो एक दिन के लिए पैसा ज्यादा लेंगे, और जब वो एक दिन के लिए पैसा ज्यादा लेंगे तो मार्केट में कैश बढ़ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको चार तरह के इंटरेस्ट रेट पढ़ा दिए, और इन चारों तरह से के इंटरेस्ट रेट से जो है फर्क एक ही पड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि चाहे आप रेपो रेट लें या रिवर्स रेपो रेट लें या बैंक रेट लें या फिर एमएसएफ लें, चारों का कंक्लूजन एक है कि जब ये चारों बढ़ते हैं, मतलब जब ये चारों बढ़ेंगे, ये चारों बढ़ेंगे तो क्या होगा, पैसा कम होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, पैसा कम। क्यों, मैंने आपको बता दिया अभी पिछली स्लाइड में। अच्छा, उसके बाद जब ये चारों घटेंगे, यहां पे मैंने लिख दिया जब ये चारों घटेंगे तो मार्केट में पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर हम कंक्लूजन पे पहुंचे, किस कंक्लूजन पे पहुंचे दोस्तों, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये चारों जो रेट्स हैं वो आरबीआई के क्या हैं, ये चारों रेट्स जो हैं वो आरबीआई के हथियार हैं जिनसे मार्केट में पैसा बढ़ा और घटा सकते हैं। इन चारों रेट्स को बढ़ाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा, और चारों रेट्स को घटाएंगे तो पैसा बढ़ जाएगा। अब दो रिजर्व भी मैंने आपको बताए थे, दो रिजर्व कौन से बताए थे मैंने आपको, एसएलआर और सीआरआर। आप सब जानते हैं SLR वो पैसा है जो बैंक अपने पास रखते हैं, बैंक अपने पास जमा करते हैं। अच्छा, उसके बाद CRR वो पैसा है जो बैंक RBI के पास जमा करते हैं। ठीक है, SLR अभी चल रहा है 19.5% और CRR चल रहा है 4%। मतलब रोज बैंक आरबीआई में 4% पैसा जमा कराते हैं, जो भी दिन भर में उनके पास पैसा है, और अपने पास कितना पैसा जमा करके रख लेते हैं, 19.5%। अब इसके अलावा आप देखें कि मान लीजिए ये हो गया 19 और ये आपका हो गया 4, मतलब ये हो गया आपका 19 और 4 23 और ये 23.5, मतलब 23.5% पैसा जो है वो क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया जमा। मतलब इस पैसे का अब बैंक कोई यूज नहीं करेगा, और जब बैंक इस पैसे का कोई यूज नहीं करेगा, बाकी बचा कितना पैसा, जो भी हमारा 76.5% पैसा बचा है, अब इस पैसे का यूज जो है वो मार्केट में किया जाएगा या बाजार में लोन देने के लिए किया जाएगा। ठीक है, यहां से कहानी शुरू होती है रिजर्व के जरिए मार्केट में पैसा कम और ज्यादा करने की। जब आरबीआई सारे हथकंडे अपना लेता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, जब सारे रेट्स में चेंजेस करके देख लेता है और मार्केट के पैसे या लिक्विडिटी पर, मार्केट मनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहता है कि पैसा कम हो जाए लेकिन नहीं हो रहा है, वो चाहता है कि पैसा बढ़ जाए पर नहीं हो रहा है, जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आरबीआई हाथ लगाता है किसको, एसएलआर को। उसको ये मार्केट का पैसा कम करना है ना, तो आरबीआई क्या करता है, बैंकों से कहता है कि अब आप एसएलआर 19.5 मत जमा कीजिए, आप 20 जमा कीजिए। तो अपने आप दोस्तों जब यहां 20 होगा तो मतलब यह कि वो 0.5% पैसा जो है वो अब जब यहां से जो है 0.5% एक्स्ट्रा यहां जमा होने लगेगा, मतलब यहां से 0.5% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप ये सोचें कि ऐसा कितना कर सकते हैं, तो एसएलआर को मैक्सिमम जो है वो 40% तक ले जाया जा सकता है, और कम से कम जो है वो 15% पे रखा जा सकता है। तो मान लीजिए कि हम बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए हैं और हमने एसएलआर बहुत ज्यादा करवा दिया, आप सोच लीजिए, सपोज फॉर एन इंस्टेंस, कभी आरबीआई ने ऐसा किया नहीं, मान लीजिए आरबीआई ने 40% जमा करवा दिया, ठीक है, यहां पर 4% जमा कर गया, मतलब कितना हो गया आपका, 44% जो है वो जमा हो गया, बाकी बचा हुआ पैसा जो है कहां पर आ गया, आपका यहां पर आ गया। ठीक है, तो मतलब यह कि जब ये एसएलआर बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा घटेगा। अच्छा, फिर उसके बाद सीआरआर की बात करें तो सीआरआर भी यही है कि यहां पर भी जब CRR को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया, इसे कम से कम हम 3% रख सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो हम इसे 15% रख सकते हैं। तो अगर अभी 4% है, और अगर ये 4% है तो
इसे 4% करके हमने 8 कर दिया, या मान लीजिए इतनी जल्दी नहीं बढ़ाते, अगर 6 कर दिया तो मतलब यह है कि अब यहां पर 6% जमा होगा, मतलब यहां पर हम ज्यादा कर रहे हैं, और जब हम यहां ज्यादा करेंगे तो अपने आप पैसा यहां पे कम बचेगा। कंक्लूजन अगर मैं इसका दोनों का दूं, CRR और SLR का, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये रिजर्व का पार्ट है जो बैंक अपने पास जमा करके रखता है, और ये पार्ट मार्केट में यूज करने वाला है। तो जब आपको मार्केट का पैसा कम करना है तो अपने आप आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा। मतलब SLR और CRR जब आप बढ़ा देंगे, जो आपने जमा करके रखा है, और ज्यादा उसमें जमा करने लगेंगे, तो अपने आप आपको मार्केट में यूज करने का पैसा कम बचेगा। और जब आप इन्हें कम कर देंगे, मतलब आपने जो अपना रिजर्व करके रखा है उसमें आप रिजर्व कम रखेंगे, पैसे कम डालेंगे, तो अपने आप आपकी जेब में यहां मार्केट में यूज करने के लिए बच जाएगा। तो यहां पे भी अगेन यही कंक्लूजन निकला कि जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तो मार्केट में पैसा कम होता है, और जब ये दोनों कम हो जाते हैं तो मार्केट में पैसा बढ़ जाता है। लेकिन पहले यूज किसका करते हैं, SLR का, और बाद में यूज किसका करते हैं, CRR का। जब SLR को चेंज करके थक जाए RBI, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद इसको हाथ लगाता है, तभी RBI ने अपने पास जो CRR रखा है वो सिर्फ कैश के फॉर्म में रखा है, ना कि इसके जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैश, ये सिर्फ कैश के फॉर्म में। मतलब जब बहुत इमरजेंसी हो, आप अगर रिकॉर्ड खंगाल के देखेंगे तो पिछले 8 साल से CRR में कोई चेंजेस नहीं हुए, मतलब इसको छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी से काम चल जाता है, मार्केट का पैसा कम और ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहां पर जो है क्या होता है, यहां पर मार्केट का पैसा जो है वो तब यूज किया जाता है, या मार्केट में पैसा तब डाला जाता है जब एक्सट्रीम केस हो, कंडीशंस जो है वो बहुत खराब हो, तब जाके जो है CRR को हाथ लगाया जाता है। तो अब फाइनल कंक्लूजन जो है वो आपको मैं उस स्लाइड पे ले जाके दिखाता हूं जहां पर मैंने सब एक साथ लिखे हुए थे। दोस्तों हम पॉलिसी रेट्स की बात कर रहे थे, ये सब पॉलिसी रेट्स हैं, देख लीजिए इन सभी पॉलिसी रेट्स को जब आप बढ़ाएंगे, इन सभी को जब आप बढ़ाएंगे, जब आपने इसे इंक्रीज किया या बढ़ाया, तो मार्केट में पैसा कम हुआ, और जब इन सभी पॉलिसी रेट्स को आपने घटाया तो मार्केट में पैसा बढ़ गया। तो RBI के द्वारा किए गए ये काम, या कह लें कि ये स्ट्रेटजी या ये टूल्स जो RBI यूज करता है, इस तरह से RBI इनका यूज करके मार्केट में पैसे को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। जब इन्हें बढ़ाएगा तो मार्केट में पैसा कम होगा, और जब इन्हें घटाएगा तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो हर 2 महीने में आती है, मतलब साल में 6 बार आती है। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।